हो और तमाम लोगों का, हमारे विद्यालय परिवार में रसोइयों का भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा और सबका अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने परिवार से पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप धैर्य के साथ समय दीजिए, प्रतीक्षा करिए, हमारा परिणाम सुखद, अच्छा, बेहतर होगा। इसी के साथ आप सबको, जुड़े हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ये बात हमारे तमाम साथियों को पहुँचाएँ। हम लोग जो भी खबर आपको दे रहे हैं, अभी माननीय शर्मा जी की पोस्ट आई, आप लोग उसको भी शेयर करिए, क्योंकि वो आपका संघर्ष कर रहे हैं, वो भी जाने के शिक्षा मित्रों के बीच में। आप आज वो हमसे कह रहे थे कि मैं नहीं जुड़ा था, तब लोग हमसे ये कहते थे कि शिक्षा मित्र कहता है हमारे 8000 लोग मर गए तो लोगों को भरोसा नहीं होता था, और पिछले कुछ दिनों से जब मैं आपसे जुड़ा तो जो घटनाएँ हो रही हैं और मेरे पास आप लोग भेज रहे हैं, इससे मन बड़ा व्यथित है। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को 3-4 फोटो दिखाया कि सर ये स्थितियाँ हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, बहुत ज़रूरी है और इस पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि जो हमारे लोग जुड़े हैं वो हमको, आपको पूरी ईमानदारी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। देखिए आदरणीय मिलसी साहब निस्वार्थ भाव से हम शिक्षा मित्रों के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, और ये कल तीसरी बार शिक्षा मित्रों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं, या उनकी उदारता है, और हम सब लोग उनको धन्यवाद देते हैं। एक दो चीज़ें आ रही हैं, जैसे बेसिक के मानदेय के बारे में अध्यक्ष जी ने बता ही दिया है, आज बात हुई है फरुखाबाद चंदौली के लिए। हमने परसों के वीडियो में आपसे कहा भी था कि कुछ दिशा निर्देश हमको मिले हैं जिसमें कुछ पत्र आने हैं, और हमने जिला अध्यक्षों से बता भी दिया है, फरुखाबाद डिस्पाल से बोल दिया है, चंदौली में बोल दिया है, और कौसाम्बी का भी रत्नाकर से भी कह दिया है कुछ पेपर्स चाहिए, और जल्दी ही जो बकाया मानदेय है वह भी मिलेगा। धनराशि कितनी होगी इसका अंदाज़ा आप लोग मत लगाइए, इसका निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। संगठन का प्रयास है कि अच्छे से अच्छा व्यवस्था हो, और अध्यक्ष जी आपको बता दें, आप सबसे भी शेयर करना चाहते हैं कि अध्यक्ष जी ने जैसे कहा कि आप लोग व्यक्तिगत आक्षेप करते हैं तो कष्ट तो नहीं होता है, लेकिन कष्ट होता है। मैं अपना कल का एक अनुभव आपको बताऊँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल मैं डॉक्टर साहब के यहाँ ब्लड टेस्ट कराने गया था, और एक हमारे साथी थे, उनका फ़ोन बार बार आ रहा था, मैं बार बार काट रहा था, कम से कम 7-8 बार फ़ोन आया, मैंने काटा क्योंकि मैं ब्लड सैंपल दे रहा था, और जब वहाँ से निकल करके मैंने सोचा लाओ फ़ोन करने देखे कौन है, तो उनका मैसेज व्हाट्सएप पर था। साथियों, वर्तमान में आप सभी चिंतित थे कि हाल ही में सरकार के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या सरकार कोई कार्यवाहियां कर भी रही है या फिर नहीं, क्या शिक्षा मित्र स्थायी हो भी पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे। इन सारी बातों को लेकर हाल ही के अंदर का एक डिबेट है, इस डिबेट को आप देखें, डिबेट के माध्यम से सारी बातें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएंगी कि आखिर क्या क्या प्रक्रियाएँ चल रही हैं, सरकार कौन कौन से प्रक्रिया कर रही है, किन किन बातों पर विचार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो की क्लिप को आप पूरा देखें। जो मैसेज हम पढ़ नहीं सकते, इतना खराब मैसेज उन्होंने लिखा था, तो कष्ट होता है। आज हमने उनको फ़ोन किया तो फ़ोन पर उन्होंने, फ़ोन जब सुना उन्होंने, उसके बाद फ़ोन काट दिया और पोस्ट डिलीट कर दिया। तो ऐसा कोई काम मत करिए कि कभी सामने पड़े तो नज़रें झुक जाएँ आपकी। आप ही के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं, हम लोग बीमार भी हो रहे हैं, दवा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी दौड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी कमेंट खराब लगता है। बिल्कुल, आप लोग 3 महीने का अध्यक्ष जी ने समय दिया है, और ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उसके पहले ही हम लोगों का काम हो जाए, और उम्मीद पूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है। और आप लोग लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कब होगी, तो आपको यही बता दें कि जिस दिन हमारा कार्य फाइनल हो जाएगा शासन प्रशासन और सरकार में, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बुला करके आप लोगों के समस्याओं का समाधान करेंगे, और उसी दिन मुलाकात भी होगी। इसलिए लिखिए सोच समझ कर, छान कर खाना खाइए कि अच्छा है ख़राब है, और जो बोलिए वह भी छान कर बोलिए। इसी सब निवेदन के साथ आप सभी साथियों को अगली जो भी सूचना होगी आपको दी जाएगी, और ऑथेंटिक रूप से सूचना दी जाती है, इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, कोई भी झूठ नहीं। आपने देखा होगा कि 18 अक्टूबर 2023 के बाद से लगभग एक दर्जन बार हम लोग माननीय प्रमुख सचिव साहब से मिले, और हर बार का फोटोग्राफ आपके साथ है, हर बार किसी न किसी प्रतिनिधि के साथ जाते हैं। केवल हवाबाजी नहीं होती, संगठन जो काम करता है बहुत प्रमाणित तौर पर और लिखा पढ़ी में करता है। सारे पत्र हैं, सारे पत्र का हवाला भी हमारे पास है, उनके जवाब भी हैं, समय आने पर वो भी ओपन किए जाएंगे। और जो हमारे साथी हताहत हो रहे हैं, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है,
हम एक बार चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए, फिर पूरे प्रदेश में हम लोग निकलेंगे और सभी साथियों की मदद करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा हृदयेश गैड़ा झांसी जाने का। अध्यक्ष जी, बहुत हमारे हमारा बड़ा बहुत बहुत हम लोग दुखी रहे। बीएल गुप्ता भाई मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने संगठन के लिए सर्वस्व दान कर दिया और हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। आप लोगों के सहयोग से करेंगे, लेकिन बस प्रयास ये है कि जो 1.5 लाख में 1,47,000 अभी जीवित हैं, पहले उनके लिए कुछ हो जाए। इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी खबर आपको पूरी दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।